गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड एंड सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर सिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओमानास जर्नी। नाउ टुडे वी विल रीड एंड सॉल्व सम फर्दर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने ईवीएस क्लास फोर्थ का चैप्टर सिक्स, जिसका नाम ओमानास जर्नी है, इसकी कुछ रीडिंग की थी और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था। आज की इस वीडियो में हम इसकी आगे कुछ रीडिंग करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो 16 मई, कॉन्सिडर 16 मई, ये क्लॉक दे रखी है, इसमें टाइम दे रखा है, कितना हो रहा है इसमें 4:30। सो आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच करने के बाद कुछ लोग क्या हो गए थे, सो गए थे। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मगर मेरे को नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैंने क्या किया, खिड़की से बाहर देखा, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। आई सो मैनी फील्ड्स, मैंने क्या देखे, बहुत सारे फील्ड्स क्या होते हैं, खेत। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, मगर वो क्या थे, सारे ब्राउन थे और ड्राई, सूखे हुए थे। सम टाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, क्या हुआ, कुछ समय क्या हुआ, छोटे छोटे विलेज को हम पास कर रहे थे, हम आगे जा रहे थे, छोटे छोटे विलेज निकल के पीछे होते हुए पास हो रहे थे। दे सेम्ड टू बी फ्लाइंग बाय, वो क्या लग रहा था जैसे कि क्या हो रहे हो, उड़ रहे हो। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सेम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें बोला गया है कि आप ये जानते हैं क्या कि कभी जब ट्रेन बहुत तेज होती है तो जिस साइड हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, जो बाहर की चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अपोजिट दूसरी साइड को वो उड़ रही हैं। क्या होता है, जैसे कि आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो क्या होता है, अगर ट्रेन राइट से लेफ्ट की तरफ को जा रही है तो जो बाहर की चीजें हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ को, अपोजिट साइड की तरफ को उड़ती हुई जा रही है, मगर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड में होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये उड़ रही है, जबकि एक्चुअल में होता है कि ट्रेन उन सबको पास करके आगे बढ़ती जाती है। तो यही बात इसमें बताई गई है। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, शुरू में क्या था, जो ट्रेन में बैठे थे पहले पहले क्या था, बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि जब शुरू में बैठे थे सुबह का टाइम था, सो जैसे सुबह का टाइम जैसे बीत रहा था, दोपहर हो रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, गर्मी लग रही थी। नाउ दैट इट इज इवनिंग, मगर जैसे जैसे क्या आई, इवनिंग शाम हुई, देर इज सम ब्रीज, तो क्या हो गया, थोड़ी क्या चलने लगी, हवा चलने लगी। एक्चुअली में जब शाम होती है तो क्या होता है, मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज बिकम ऑरेंज, धीरे धीरे सूरज क्या हो गया था, जब शाम हो गई थी, धीरे धीरे उसने छुपना शुरू कर दिया था और क्या हो गया था, आसमान क्या हो गया था, ऑरेंज कलर का, गुराबी कलर का हो गया था। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इज अहमदाबाद, बोले मैंने ये कभी नहीं देखा था जैसा कि क्या था, अहमदाबाद था, अहमदाबाद जैसा था, वैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो अभी क्या आ गए थे, अहमदाबाद में आ गए थे, बोले मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाद, उन्होंने अभी तक केवल एक स्टेशन पार किया था, इसका नाम क्या था, वलसाद। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, ट्रेन वहां स्टेशन पे कितने रुकी थी, केवल 2 मिनट्स के लिए रुकी थी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइज, मगर इतनी 2 मिनट के लिए वहां रुकी थी, मगर इस 2 मिनट के अंदर ही वहां पे क्या हो गया था, बहुत ही शोर हो गया था, नॉइज हो गया था, बहुत शोर हो गया था। क्यों हो गया था शोर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्रेन रुकती है तो बहुत सारे उसमें पैसेंजर्स चलते हैं और कुछ सेलर्स चलते हैं, कुछ जैसे कुछ अपना सामान बेचने वाले जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, ये ले लो, पानी ले लो, चाय ले लो। सो यहां पर क्या है, चाय, गरम चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग, ऐसे ही क्या हो रहा था, एक जो जैसी गाड़ी रुकी, एक आदमी आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चाय ले लो, चाय गरम, चाय गरम, चाय ले लो, और ऐसी एक क्या हो गया, वटाटा वड़ा सेलिंग करने वाला आया और वो चिल्लाने लग गया, वटाटा वड़ा। ये लोग क्यों आते हैं, क्योंकि इनको अपनी क्या होती है, ये जो इनके थिंग्स होते हैं, इनको सेल करनी होती है, इसलिए जब ये बोलेंगे तभी लोगों का ध्यान इनकी ओर जाएगा और वो इनसे खरीदेंगे। और ट्रेन का टाइम बहुत कम था, 2 मिनट्स का होल्ड होता है, इसलिए ये सोचने की जल्दी जल्दी पैसेंजर्स हमसे ये सब चीजें ले लें, इसलिए उन्होंने भी वहां पर ऐसा क्या देखा था, ऐसा सीन देखा था। सो ओमानास जर्नी। पूरी शाक, तो क्या बोला था, एक आदमी बोला था पूरी ले लो, शाक ले लो, दूध, ठंडा दूध, एक क्या बोला था, दूध ठंडा दूध ले लो। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जो लोग थे, जो ट्रेन के लोग थे, वो क्या करते, प्लेटफॉर्म से उनको कुछ लोग
क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसको खरीद रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानास, हमने क्या खरीदे, कुछ केले खरीदे, एंड चीकूस, और चीके खरीदे, चीकू खरीदे थ्रू द विंडो इटसेल्फ। कहां से खरीदे, हम नीचे नहीं उतरे, वहीं खिड़की से हमने उनको उनको उनका क्या दिया, उसकी जो कॉस्ट थी वो दी, उसको उनको पैसे दिए और वहीं से हमने खरीद लिए। तो हमने क्या करा, जल्दी जल्दी विंडो से ही बनाना खरीद लिए। व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो। अब अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो। ओमाना ने, जो ओमाना थी, उसने विंडो से, जो ट्रेन की विंडो थी, ट्रेन की खिड़की, उससे क्या देखा। सो द आंसर इज ओमाना सो फील्ड्स, क्या क्या देखे, फील्ड्स, खेत देखे, स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव देखे, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें देखी इसी की तरह, विच सीम्ड टू बी रन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि कैसे लग रहे थे, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन, जहां को ट्रेन जा रही है उससे उल्टी डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हों या उड़ रहे हों। नेक्स्ट, What are some of the things that are sold at railway stations? अब इसमें ये बताने हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको रेलवे स्टेशन पर क्या जा रहा था, बेचा गया। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, बुक्स थी, टॉयस थी, और फास्ट फूड्स भी होता है, कोल्ड ड्रिंक और पूरी एंड वेजिटेबल्स, कोल्ड मिल्क एंड हॉट टी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। आई होप you would have understood this part properly, so you can write down the question answers in your and read it again. Also send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.